नमस्कार, मेरा नाम है परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के हौज खास इलाके में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना से नाराज वॉलंटियर्स ने आज साकेत में एसडीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को साउथ दिल्ली के हौज खास इलाके में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और एक कार सवार के बीच झड़प हुई थी। ये झड़प मारपीट में बदल गई जिसमें दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए। इस मामले में हौज खास पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बुधवार को मौके पर मौजूद महिला वॉलंटियर ने रोते बिलखते हुए बताया था कि वो आईआईटी गेट के पास चालान काट रहे थे। हालांकि महिला ने कहा कि उन्होंने आरोपी कार सवार का चालान नहीं काटा था। हमसे चालान काट रहे थे, उसका तो हमने चालान भी नहीं काटा था। उसकी गाड़ी किसी पीछे वाली गाड़ी से टच हो गई थी, तो वो हम आकर सीधा हमारे वो जो जिसको आंख पे चोट लगी उसको आकर मारा। एक तरफ जहां इस घटना के बाद दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में भारी रोष है, प्रदर्शन कर रहे वॉलंटियर्स आरोपी कार सवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के खिलाफ उन्होंने उपराज्यपाल से कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब, आपसे दोनों से ये निवेदन है, ये अपील है कि सिविल डिफेंस के नाम पर केजरीवाल के वसूली भाई, एक वसूली गैंग, ये दिल्ली की सड़कों पे उतरा हुआ है। ये लोगों से फोटो खींच के मोबाइल पे उनके वीडियो बना के पैसे वसूल रहे हैं, चलती हुई कारों और चलती हुई बाइकों के सामने कूद के आ रहे हैं, बैरिकेड लगा के दिल्ली की सड़कें रोक रहे हैं। और एक ऐसी सरकार जिसने दिल्ली के बॉर्डर पे लोगों को लाके बिठाया हुआ है बिना मास्क के कोरोना काल में, वो दिल्ली के आम नागरिकों का अकेले जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, उनके चालान काट रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, 2000 रुपए दो, 1500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, ऐसे खुलेआम वसूली दिल्ली के सारे बॉर्डरों पे और दिल्ली की सारी सड़कों पे चल रही है। ये गैर कानूनी है, ये अपराध है और दिल्ली की जनता में भयानक गुस्सा है, आक्रोश है इस प्रकार की लूट के प्रति, आतंक के प्रति। कृपा करके ये तुरंत बंद करवाने का आदेश दीजिए। अगर कोई एक्शन लेना है, कोई अनुशासन स्थापित करना है तो दिल्ली पुलिस करे, दिल्ली पुलिस के जवान करें, लेकिन ये नकली खाकी, ये आतंक, ये लूट, ये योग्यता नहीं है। जिन लोगों के हाथ में इस प्रकार की लूट दी जा रही है, पैसे वसूलने का अधिकार दिया जा रहा है, सड़कों में बैरिकेड लगाने का अधिकार दिया जा रहा है, कृपा करके इसको रोकिए। आपसे ये निवेदन है, जनता में बहुत आक्रोश है और ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर बन सकती है। इनकी खाकी ड्रेस पे बैन होना चाहिए, ये खाकी का सम्मान है, पुलिस समझकर दिल्ली वाले सह रहे हैं इस अत्याचार को। ये खाकी जरूर इस पे बैन होना चाहिए, अपनी कोई अन्य ड्रेस ये पहने, उसके बाद दिल्ली वाले खुद समझदार है, कोई उनसे वसूली नहीं कर सकता, कोई उन्हें लूट नहीं सकता है। तो आपसे पुनः ये निवेदन है और दिल्ली के सभी लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि ये लोग, ये वसूली गैंग, ये दिल्ली पुलिस नहीं है और इनका कोई आतंक अपने मन में मानने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।